हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन इन द टैरो। आज की हमारी रीडिंग के टॉपिक ये है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स योर कैरियर क्या होने वाला है आपके कैरियर में आने वाले 3 मंथ्स में, तो ये हम चेक करेंगे। तो चलिए, यूनिवर्स, गॉड, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनसे कनेक्ट हो जाए ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके और आपको सही गाइडेंस एंड सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। चलिए देखते हैं आने वाले 3 मंथ्स में क्या होने वाले है आपके कैरियर में, आपके कैरियर, जॉब, स्टडी क्या होने वाला है। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका आने वाला 3 मंथ्स कैसा रहने वाला है कैरियर को लेकर, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। जस्टिस, क्या बात है। आई थिंक कैरियर में आपको लगता है कि आपके साथ सही नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है कि आपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हो, काफ़ी ज़्यादा। मुझे यहाँ पर कई लोग, बहुत से लोग कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप में क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, आप चूज नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक आपके पास काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी हैं, या तो आने वाले 3 मंथ्स में इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके कैरियर को लेकर आने वाले हैं कि आप कंफ्यूज होने वाले हो, कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए कौन सा कैरियर बेहतर है, आपको समझ कुछ आई थिंक नहीं आ रहा है, या तो आने वाले 3 मंथ्स में आपको समझ नहीं आने वाला है। तो आपको पहली बात क्लैरिटी रखनी होगी डियर, ठीक है, अपने माइंड को क्लैरिटी रखनी होगी, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ठीक है। और आप मुझे पैसे को लेकर, आपको मुनाफा होने वाला है आने वाले 3 मंथ्स में, आपको मुनाफा होने वाला है, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, खासकर 6 मंथ्स में। अभी क्या चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में आपको मुनाफा होने वाला है कैरियर को लेकर। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका कैरियर कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आप ना आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बर्डन ले लिए हो, ठीक है, कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बर्डन ले लिए हो, आपने ना काफ़ी सारा भार ऑलरेडी संभाला हुआ है, आप ना थक चुके हो, पता है आप थक चुके हो। आई थिंक आपने बहुत सारी मेहनत की है, काफ़ी मेहनत किए हैं अपने कैरियर को लेकर, पर रिज़ल्ट वैसा नहीं मिला जैसा आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए, जैसा आपने मेहनत किया है, आपके मेहनत के मुताबिक आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है, जिसको लेकर आप मुझे थके हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं राइट नाउ। आप मुझे अपने कैरियर में सेटिस्फाई नहीं है, आप अपने कैरियर को लेकर आप मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं, अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के आने वाले 3 मंथ्स में इनका कैरियर कैसा रहने वाला है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर ना कई लोगों को खुद पर ही डाउट है यार, यानी कि आप लोगों में से ना कई लोगों को यहाँ पर खुद पर ही भरोसा नहीं है कि आप एक सही डिसीजन ले सकते हो। क्या है, हाँ ये आपका, ये ना आपको खुद पर ट्रस्ट रखना है, खुद पर भरोसा रखना है कि आप एक सही डिसीजन ले सकते हो, आप अपने सही कैरियर चुन सकते हो, आपको खुद पर ट्रस्ट करना होगा, करना चाहिए, ओके। ट्रस्ट इशूज़ मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है डियर, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आपको खुद पर भरोसा रखना है, आपको अपने माइंड में क्लैरिटी लानी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आई थिंक यहाँ पर कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को आपके कैरियर में ना कुछ तो नुकसान हुआ है, या तो अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है आपको पैसे की, यहाँ पर बहुत से लोगों को दिक्कत चल रही है, पैसों की कमी है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। आप खुश नहीं हुए इस समय, काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ अपने सिचुएशन के बारे में। आई थिंक आपको ना यहाँ पर कई लोगों को लॉसेस हुई है,
कई लोगों को लॉसेस यहाँ पर हुई है कैरियर में, जिसको लेकर आप मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको किसी बात का रिग्रेट तो है, आप कुछ चाहते थे बट आपने कुछ और, आपसे कुछ हो गया, आई थिंक ऐसा कुछ हुआ है कई लोगों के साथ, ये बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट होगी। कुछ करना आप चाहते थे बट लोगों के बातों में आकर या तो आपने कुछ गलत डिसीज़न ले लिया, ठीक है, जिसके वजह से अब आपको पछतावा हो रहा है कि आपने गलत डिसीज़न लिया है। यहाँ पर पैसों की कुछ तो दिक्कत मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों को। बट माइंड ना करें, आने वाले 3 मंथ्स में आपका कैरियर मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। वाओ, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, आपको तरक्की मिलने वाली है, ठीक है, आपको तरक्की मिलने वाली है, आप एक बेहतर कैरियर की ओर मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, राइट नाउ आप में काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खुश नहीं हो अपने कैरियर में, पैसों की दिक्कत आपको हो रही है, परेशान हो आप, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपने कैरियर को बिल्ड किया जाए। बट आपको इस समय काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ, आपने पास्ट में बहुत सारी मेहनत किए हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हैं, बट आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला, आपको कुछ ऐसा लगता है जिसकी वजह से आप दुखी हैं, परेशान हैं। अगर आप बिजनेस में थे, बिजनेस किसी के साथ पार्टनरशिप में थे, तो आई थिंक उनकी तरफ से आपको धोखा मिला है, कुछ इस तरह का हो सकता है यहाँ पर कई लोगों को, जिसके वजह से भी आप परेशान हो, दुखी हो, कुछ ऐसा है कई लोगों के साथ जिसकी वजह से भी आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बट आने वाले फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कैरियर बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। जो आप अभी दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, व्याकुल हैं, पैसों की दिक्कत हो रही है ना, आने वाले फ्यूचर में ये दिक्कत नहीं रहेगी, खासकर 10 मंथ्स में आप काफ़ी कुछ अचीव कर लेंगे। आप बहुत मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं, अपने फैमिली के साथ इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ना कहीं तो जाने वाले, ठीक है, मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है डियर आप अपने सिटी से बाहर जाएं, आउट ऑफ सिटी आप ट्रैवल करें, आउट ऑफ कंट्री आप ट्रैवल करें, कुछ और ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो हो सकता है कि जो आप अचीव करना चाहते हैं ना, जो आपको कैरियर में कहना चाहिए कि कैरियर में जो आपको बढ़ोतरी होगी, जो आप कैरियर में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कुछ अचीव करने वाले हैं, वो आप आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाकर आप अचीव करेंगे, आपको अपने सिटीज़ में आई थिंक ये आप नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, ट्रैवल तो करेंगे ही आप, आपका ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ब्राइट रहने वाला है, आपको बहुत कुछ देगा, जो आपका सपने हैं ना, सारे सपने पूरे होने वाले हैं, आप एक बेहतर कैरियर की ओर मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आप में काफ़ी ज़्यादा पावर आ रही है, आप ना पावर लेस महसूस कर रहे हो राइट नाउ, अभी खुद को यहाँ पर कई लोग खुद को पावर लेस महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने कहा ना कि आप एक सही डिसीज़न नहीं ले सकते कैरियर को लेकर, कुछ ऐसा है, बट आने वाले मंथ्स में आप में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आने वाली है, आपके खुद में, आप में खुद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अपने सिचुएशन को कंट्रोल में करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी कुछ अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका कैरियर मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आपका कैरियर मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आपको किस बात का ख्याल रखना है, अगर आप पार्टनरशिप करते हो किसी के साथ तो ध्यान रखिएगा कि क्या उनके साथ आपका पार्टनरशिप सही है,
जिस पार्टनर के साथ आप हो क्या वो भरोसे के लायक है, भरोसे के काबिल हैं, इतना आप ज़रूर देखें। क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है, इतना ज़रूर देखें। और अगर आप यहाँ पर अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपकी मेहनत मुझे रंग लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपने पास्ट में काफ़ी सारे मेहनत की हैं जिसको लेकर आप वो अचीव नहीं कर पाए हैं जो आप करना चाहते थे, ठीक है। बट आने वाले मंथ्स में मुझे आप वो अचीव कर पाते हुए दिखाई दे रहे हो डियर, तो अपने मेहनत कंटिन्यू रखें, क्योंकि मेहनत से तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है, इतना भरोसा खुद पर ज़रूर रखें, ठीक है। यस, आप मुझे एक न्यू शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे विक्ट्री की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको सक्सेस मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले मंथ्स में। दी फूल, कुछ तो न्यू शुरुआत करने वाले हैं आप अपने कैरियर में। लीप ऑफ फेथ के साथ न्यू शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके कैरियर के लिए। बट आपको ख्याल इतना रखना है डियर कि आप अपने फैमिली से सलाह मशवरा ज़रूर लें, उनकी बात सुने, ठीक है, आप उनकी बात सुने। और मुझे ना ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ मंथ्स में ना काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आपके पास, जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। तो अपने माइंड को क्लियर रखें और खुद में ईगो बिल्कुल भी ना लाएं, ठीक है, खुद में ईगो बिल्कुल भी ना लाएं, कूल एंड काम रहें, शांत रहें, पॉजिटिव रहें, जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। आपके लिए पार्टनरशिप काफ़ी अच्छा हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पार्टनर है, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस पार्टनर है, क्या वो सही है, इतना आपको ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पर है टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑलमोस्ट सारे साइंस कवर हो चुके हैं डियर, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाओ, न्यू शुरुआत होने वाला है आपके कैरियर का, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगी। और आप मुझे आउट ऑफ कंट्री जाते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो आउट ऑफ सिटी या स्टेट जाते हुए कुछ ऐसा दिखाई दे रहे हो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो ट्रैवलिंग है आपका वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जो आपका लाइफ है ना, अभी जो परेशान हो, दुखी हो आप अपने कैरियर से, ये टोटली चेंज होने वाला है। आने वाला फ्यूचर आपका काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, खूबसूरत है, बट इसके लिए आपको ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मुझे जिस प्लेस पर आप रहते हो ना, वहाँ ये सब अचीव करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि जैसा कैरियर आप चाहते हैं, जो कैरियर के मुकाम पर आप, जो मुकाम पर आप पहुँचना चाहते हैं, वो अपने प्लेस पर आप मुझे पहुँचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप बिजनेस को लेकर या तो अपने कैरियर को लेकर कहीं तो जाने वाले हो, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी आपके लिए। और जो आप, आपका सिचुएशन है ना, जैसे कि पैसों की तंगी, खुश नहीं हैं आप अपने कैरियर से इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हो, काफ़ी ज़्यादा पावरलेस, होपलेस महसूस करते हो, थोड़ी सी निगेटिविटी है आपके सराउंडेड, वो टोटली एंड हो जाएगा और आपके आने वाला फ्यूचर चेंज होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। निगेटिविटी का टोटली एंडिंग मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि जिस सिचुएशन में आप अभी हो ना, देखिए किस सिचुएशन में हो, ये चेंज होने वाला है, टोटली चेंज होने वाला है और आपका गुड लक आने वाला है। जो समय आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे ना आप आने वाले 10 मंथ्स में आप काफ़ी कुछ अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि जैसा कैरियर आप चाहते हैं ना अपने लाइफ में, वो सब मुझे आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 10 मंथ्स में आप बहुत ही मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं।
चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में गॉड यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। तो मैं आपसे कहना ये चाहूँगी कि आप पॉजिटिव रहें, खुद पर ट्रस्ट रखें, जितना हो सके पॉजिटिव रहें और अपने फैमिली का सलाम मशवरा ज़रूर लें। ओके डियर, मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, ट्रैवल आप करने वाले हो कैरियर को लेकर, और आने वाले 10 मंथ्स में आप सब कुछ अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं। वो ये जनरल रीडिंग है डियर, तो ध्यान रखिएगा हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। ओके, यहाँ पर मुझे कई लोग, बहुत से लोग वो अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपका सपना है वो मुझे सच होते हुए दिखाई दे रहा है, हकीकत में बदलते हुए दिखाई दे रहा है। जो आप चाहते हैं वैसा आप पाने वाले हो आने वाले फ्यूचर में, खासकर 10 मंथ्स में तो शुरुआत होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत होने वाली है आपकी कैरियर का। मुझे आप में कॉन्फिडेंस आते हुए दिखाई दे रहा है, तो चलिए देखते हैं गॉड यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हाय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड करें, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में। फर्स्ट कार्ड अवेयरनेस, आपको इस सिचुएशन में आपको अपने कैरियर को लेकर जागरूक रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपको ओवरथिंकिंग नहीं करना है, चिंतित नहीं रहना है, व्याकुल नहीं रहना है, जितना हो सके कूल एंड काम रहना है एंड थोड़ा सा जागरूक रहना है डियर आपको, ठीक है। अपने कैरियर को लेकर आप में ना क्लैरिटी होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो, कि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, जॉब चाहते हो या तो बिजनेस, या क्या बिजनेस करना चाहते हो, आप चाहते क्या हैं। वैसे मुझे यहाँ पर कई लोगों का ना आपके लिए बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, बहुत ही सही रहेगा, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू बने रहें, आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आप अपने मेहनत बरकरार रखें, कड़ी मेहनत करें आप, कड़ी मेहनत से तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है ना। गोइंग विद द फ्लो, आपको समय के साथ आगे बढ़ना है, स्टक नहीं रहना है। आई थिंक कई लोग यहाँ पर स्टक हैं, अपने सिचुएशन को लेकर हार मान चुके हैं, है ना, हार मान चुके हो, क्योंकि दुखी तो मुझे यहाँ पर कई लोग दिखाई दे रहे हैं। तो नहीं, आपको दुखी परेशान नहीं होना है, स्टक नहीं रहना है, खुद को स्टक नहीं रखना है डियर, ठीक है। आपको समय के साथ आगे बढ़ते चले जाना है, एक न्यू शुरुआत करना है आपको, भले ही वो शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो, धीरे धीरे ही क्यों ना हो, बट आपको समय के साथ आगे बढ़ना है। लेजीनेस, यहाँ पर ना कई लोग क्या हो रहे हो, देखो तो नहीं, देखिए डियर मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, आपके कार्ड्स में आया है। तो आपको आलसी नहीं बनना है अपने कैरियर को लेकर, मेहनत करेंगे तभी तो वो मुकाम हासिल कर पाओगे ना जो आप चाहते हो, है ना। तो आपको लेजी नहीं होने हैं, देखिए आपके कार्ड्स में आया है, मैं तो नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर कई लोग हो सकता है थोड़े से, ठीक है, ऐसे हो रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं रहना है, कड़ी मेहनत करना है, समय के साथ आगे बढ़ना है, क्लैरिटी आप में होनी चाहिए। ओके, गॉड यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत करने की ज़रूरत है, अपने कैरियर की एक न्यू शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक न्यू सोच रखने की ज़रूरत है। फाइटिंग, आपको गुस्से से बचना है, जो गुस्सेल आपका स्वभाव है ना उसे बचना है आपको, आपको शांत रखना है खुद को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। गुस्सा हानिकारक होता है, सुने हो ना, तो नहीं, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। दी फुल, न्यू शुरुआत आपको करना है अपनी लाइफ का, जो आप मुझे करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपका आने वाला फ्यूचर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशहाल दिखाई दे रहा है, आप वो अचीव करने वाले हो जो आप चाहते हैं। आई एम सॉरी, ओके, बैक टू बैक रीडिंग करने की वजह से ऐसा होता है यार, तो प्लीज़ इग्नोर करें,
तो हाँ, आप वो अचीव करने वाले हैं जो आप चाहते हैं। आपका सपना मुझे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके लिए बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा सही रह सकता है, बट आपको ख्याल रखना है कि क्या सामने वाला पर्सन सही है, इतना ख्याल आप ज़रूर रखें। ओके, आपको बर्डन नहीं लेना है अपने कैरियर को लेकर। आपको ना लोगों के बताए रास्ते पर नहीं चलना है, आपको खुद का डिसीजन लेना है डियर, ठीक है। आपको खुद पर ट्रस्ट रखना है कि आप अपने सही कैरियर चूज कर सकते हो, आप अपना सही डिसीजन ले सकते हो। जो आप चाहते हैं आपको वो सुनना है, अपनी दिल की आवाज़ सुननी है आपको, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग से भी सोचना है हमेशा। आपको ना दिल और दिमाग को बैलेंस में रख के चलना है आके। मैं क्या कहती हूँ, जो लोग कहते हैं ना, लोगों के बातों में बिल्कुल भी ना आए। आप क्या चाहते हो, आप किस कैरियर में खुश हो, आप वो सोचें। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कई लोग जो जैसा लोग कहते हैं ना, आप वैसे करने लगते हो, यानी कि आप अपने कैरियर में उस मुकाम पर शायद हो जिसमें आप खुश नहीं हो, बट आपको उसे करना पड़ रहा है। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा, गॉड भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो करें, जिसमें आपको खुशी मिलती है आप वो करें, उस तभी आप सक्सेस की ओर बढ़े पाएंगे, नहीं तो नहीं, आप ऐसे ही दुखी परेशान रहेंगे। तो आपको खुद का डिसीज़न लेना है, जिसमें आप खुश हो आपको वो करना है, ठीक है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो, कुछ भी हो डियर, ठीक है, जिसमें आपको खुशी मिलती है आपको वो करना है। तो यही थी आज की हमारी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू अ लॉट, बाय।